अल्लाह की रस्सी को थाम रखें और मजबूती से थाम रखें और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, 14 अगस्त के इस खूबसूरत मौके पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को इस्लाम को फोर्ट कैसे बनाएं। और ये हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे जो बुज़ुर्गों हैं और भाई बहनों हैं वो हम उन्हें क्या क्या सैक्रिफाइसेस क्या क्या कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया। इस मुल्क की खातिर कितने फादर्स ने अपने बेटों को उनकी आंखों के सामने मरते हुए देखा, कितनी मदर्स ने अपने आप को कुर्बान किया इसलिए ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो आज़ाद रहे। इस्लाम की राह पर चलें और कुरान और सुन्नत का कानून हो। मेरा और आपका पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान लाखों माओ बहनों की दुआओं की तासीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की तकदीर है। 14 अगस्त सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं, इसमें ये हमें सबक मिलता है कि जो आज़ादी है वो सबसे बड़ी नेमत है। जब हमें कोई चीज़ हासिल कर लें उसके बाद हम लोग जब उसकी पीक पर ले जाए ये तो असल कमाल है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो ये वतन।